खबर पाली जिले से मिल रही है। बता दें जहां एक विवाहिता न्याय के लिए भटक रही है, तो पाली जिले से ये खबर आपको दे रहे हैं जहां एक विवाहिता न्याय के लिए भटक रही है। ये भी आपको बता दें कि विरोध प्रदर्शन किया पाली जिले में एक विवाहिता को न्याय दिलाने के लिए सिरवी समाज ने विरोध प्रदर्शन किया। जानकारी के मुताबिक पीड़िता ने पुलिस उप अधीक्षक रितेश पटेल के खिलाफ शारीरिक शोषण और जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज कराया था, जहां पीड़िता न्याय के लिए मानवाधिकार आयोग और जिला कलेक्टर के चक्कर लगा चुकी है, लेकिन पीड़िता को अभी तक न्याय नहीं मिला है, जिसके चलते सिरवी समाज ने ज्ञापन देकर मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। इस मौके पर बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। शिक्षक आर के सिटी कुमार पटेल जो वर्तमान में किशनगढ़ अजमेर में कार्यरत है, उसने लगभग सात वर्ष पहले मेरे को भावनात्मक रूप से जाल में फंसा के मेरे ऊपर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाला और जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया, और उसके बाद फोटो वायरल करने की धमकी देकर लगातार मेरा यौन शोषण करता रहा। और शादी के बाद में भी मेरे ऊपर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाला, लेकिन मैंने इसका विरोध किया, तो इसने मेरे पति को ये फोटो और बताने और वैवाहिक जिंदगी खराब करने की धमकी दे डाली। तो क्या मामला है? रितेश कुमार पटेल जो ट्रेनिंग RPS है, उसने मेरी वाइफ के साथ यौन शोषण किया और शादी के बाद मेरे को फंसाने के लिए षड्यंत्र रचे गए। मेरे को धमकाने के लिए मेरे ऑफिस के अंदर आया और इसके बारे में मैंने जुलाई 2020 के अंदर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के पास में कंप्लेंट भी दर्ज करवाई, जिसकी जाँच वर्तमान में ASP पाली के पास में चल रही है। जितना समय बीत जाने के बाद में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए हम यहाँ पे SP साहब के पास में ज्ञापन